हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद एंटरटेनमेंट हाउस। बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्सर अपने करियर पर फोकस करते करते कभी कभी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि सेलिब्रिटी समझदार बनाई शादी के सही उम्र से थोड़ी अधिक उम्र में शादी करना पसंद करते हैं। इसके कई कारण हैं, प्रोफेशनल लाइफ जिसमें एक है। ऐसे में हम आपको उन सेलिब्रिटियों की लिस्ट दिखाएंगे जिन्होंने 40 के पार शादी रचाई और अब खुशी खुशी अपने पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। प्रीति जिंटा। इस लिस्ट में पहली एक्ट्रेस है प्रीति जिंटा। बिजनेसमैन नेस बाडिया संग लंबे रिलेशन और ब्रेक के बाद प्रीति ने 2016 को 41 साल की उम्र में जिन गुड इनफ से शादी की। फिलहाल प्रीति यूरोप में ही सेटल हो गई है। उर्मिला मातोंडकर। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने अपनी शादी की खबर से सभी को चौंका दिया था। रंगीला गर्ल ने मीडिया और लाइमलाइट से परे सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में शादी की थी। उर्मिला ने 42 साल की उम्र में ही साल 2016 में अपने से 10 साल की छोटे मोहसिन अख्तर मीर से शादी की थी। फराह खान। फराह खान ने 40 साल की उम्र में अपने से छोटे सीरीज कुंदर से शादी करके फराह ने एक और मिसाल कायम की थी। इसके बाद फराह तब भी खूब लाइमलाइट में आई थी जब उन्होंने एक साथ 3 बच्चों का जन्म दिया था। नीना गुप्ता। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने जिस शानदार अंदाज में सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक किया वो काफ़ी तारीफ की है। इसी तरह नीना की पर्सनल लाइफ भी इंटरेस्टेड है। नीना ने बिना शादी के ही क्रिकेटर विवियन रिचर्ड की बेटी मसावा को 30 साल की उम्र में जन्म दिया था और फिर इसके बाद साल 2008 में करीब 50 साल की उम्र में विवेक महेश के साथ शादी रचा ली है। सुहासिनी मूले। सुहासिनी ने 2011 में 60 साल की उम्र में शादी की। सुहासिनी रियल लाइफ ने कई लोगों की इंस्पिरेशन और आइडियल है। मोनिशा कोइराला। साल 2010 में 40 साल की उम्र में सम्राट देहल से शादी की थी। हालांकि 2 साल बाद ही इन्होंने तलाक ले लिया था और इसके लिए उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ ही मनीषा ने फिल्म संजू से शानदार कमबैक किया है। लिजा डे। अभिनेत्री लिजा डे ने कैंसर की जंग जीतने के बाद साल 2012 में 40 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड जेसन डेनी से शादी की और साल 2018 में सर्विसेज के जरिए जुड़वा बेटियों की मां बनी। आमिर खान। आमिर खान ने पहली शादी तोड़ने के बाद एक बार फिर से जिंदगी को मौका देते हुए साल 2005 में किरण राव से शादी की। इस दौरान आमिर खान की उम्र 40 साल थी। संजय दत्त। संजय ने साल 2008 में एक्ट्रेस मान्यता दत्त से 49 साल की उम्र में शादी की। शादी के वक्त मान्यता 30 साल की थी। बता दें कि मान्यता संजय दत्त की तीसरी पत्नी है। सैफ अली खान। अभिनेता सैफ अली खान ने भी खुद से 10 साल की छोटी करीना कपूर से दूसरी शादी की। दूसरी शादी के वक्त सैफ की उम्र 30 साल हो चुकी थी। कबीर बेदी। कबीर बेदी ने 70 साल की उम्र में साल 2016 में अपने से 30 साल की छोटी प्रवीण दोसांझ से शादी की थी। यह कबीर की तीसरी और प्रवीण की पहली शादी थी। प्रवीण कबीर के बेटी पूजा से भी उम्र में 5 साल की छोटी है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।